कुल सचिव यशपाल अहूजा जी, डॉक्टर मीना शर्मा जी, विश्वविद्यालय के सभी डीन, डायरेक्टर, आचार्यगण, गणमान्यजन और प्यारे विद्यार्थियों, मीडिया के सभी मित्रों, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के 19वीं स्थापना दिवस की इस शुभ मेला पर आप सभी के साथ ऑनलाइन जुड़कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह सुखद है कि आज स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर और गार्गी महिला छात्रावास का लोकार्पण भी हो रहा है। आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। किसी विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने अतीत से प्रेरणा लेते हुए सुनहरे भविष्य की ओर उन्मुख होते हैं और यह समय ऐसा होता है जिसमें स्वयं आत्मनिरीक्षण करके भविष्य में और कैसा स्वरूप निर्माण किया जा सकता है इसके बारे में विचार कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि कोई विश्वविद्यालय बहुत सुंदर इमारत अथवा वहाँ उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं से सुदृढ़ नहीं होता है, वह संपन्न होता है वहाँ प्रदान की जाने वाली शिक्षा से और विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवाद वहाँ के आचार्य होते हैं। आचार का अर्थ ही होता है वह जो अपने आचरण से आदर्श की स्थापना करे। स्थापना दिवस पर मेरी अपेक्षा है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के आचार्य अपने इस विश्वविद्यालय को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृत संकल्प हो। स्थापना दिवस के गौरवमयी क्षणों को हम सदा सदा के लिए तभी सजो कर रख सकते हैं जब भविष्य के आलोक पथ के लिए कृत संकल्प होकर सब मिलकर कार्य करें। मैं चाहता हूं आपका यह विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देश का उत्कृष्ट केंद्र बने। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही शिक्षा से जीवन के विकास पर केंद्रित रही है। शिक्षा का मूल अर्थ ही होता है ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण। आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान संपन्न करके जीवन के आलोक पथ की ओर अग्रसर करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि कोई भी राष्ट्र उन्नत, गतिशील, संस्कारित और प्रतिष्ठित अपने विश्वविद्यालयों के आचार्यों के कारण ही होता है। इसलिए विश्वविद्यालय आचार्यों को चाहिए कि वे अपने यहाँ ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करें जो भविष्य में राष्ट्र और समाज के विकास में सहभागी बने। विश्वविद्यालयों को मैं शिक्षा के प्रकाश पुंज कहता हूं। यहीं से ज्ञान के आलोक का पूरे समाज में प्रसार होता है। यहाँ प्रदत्त शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की ज्ञान संपदा में वृद्धि के साथ सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करना भी है। सूक्ष्म निरीक्षण, अनुभव विस्तार और निरंतर अध्ययन से ही विद्यार्थी सफलताओं के शीर्ष पर पहुंच सकता है। इसलिए विश्वविद्यालय आचार्यों को चाहिए कि वे पाठ्यक्रम के साथ विद्यार्थी में आत्मावलोकन की प्रवृत्ति का भी विस्तार करें। मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी अपने भीतर झांकने की क्षमता विकसित कर लेता है उसे जीवन में सफलताओं के शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। यह समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। इस दौर का प्रमुख वाक्य है नॉलेज इज पावर। इसका अर्थ यही है कि जिसके पास जितना अधिक ज्ञान है वही ताकतवर है। इसलिए विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का पैमाना भी
अब केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन ही नहीं रह गया। पाठ्य पुस्तकों के साथ विद्यार्थियों को अगर अपने परिवेश और उसमें हो रहे बदलावों के बारे में ज्ञान है तभी शिक्षा की सार्थकता है, तभी शिक्षा से विद्यार्थी और समाज ताकतवर बन सकता है। इस दृष्टि से शिक्षण पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की भी अभी बहुत अधिक आवश्यकता है। देश में 34 वर्षों के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका मूल ध्येय भी यही है कि विद्यार्थियों का शिक्षण के साथ अपने परिवेश से भी निरंतर जुड़ाव रहे। नई शिक्षा नीति की बड़ी विशेषता यही है कि इसमें नवाचारों पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। मैं चाहता हूं इस नीति के आलोक में हमारे विश्वविद्यालय विद्यार्थी हित में शैक्षिक नवाचारों के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भी अपनी विशेष पहचान बनाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके यहां आज नवनिर्मित इनोवेशन केंद्र का लोकार्पण हुआ है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व इनोवेशन का ही है। वैश्विक स्तर पर तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं उनके अनुकूल हमें देश में ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करना जरूरी है जो विद्यार्थी के ही नहीं देश के भविष्य को भी उचित दिशा दे सके। इसमें सबसे अधिक महत्व ऐसे शैक्षिक नवाचारों का ही है जिसे पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा व्यवसाय उन्मुख हो। शिक्षा को वैश्विक बदलावों के साथ आधुनिकता से जोड़ते हुए युगानुकूल भी तभी किया जा सकता है जब समाज में उद्योगों में और तकनीक में हो रहे परिवर्तनों को आत्मसात करके नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। यह कार्य शैक्षिक नवाचारों के द्वारा ही संभव है। मैं चाहता हूं शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आप यहां स्थापित इस केंद्र को विकसित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी हित में इसकी आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यह भी सुखद है कि आज ही गार्गी कन्या छात्रावास का भी आपके यहां लोकार्पण हुआ है। मैं सदा ही यह बात कहता आया हूं कि छात्राओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वे आकाश छू सकती हैं। अभी संघ लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें सर्वोच्च 3 स्थान पर छात्राएं रही हैं। उन्हें बधाई देते हुए मेरी एक कामना है कि आप यहां जो एक कन्या छात्रावास बना है उसमें छात्राओं के लिए बेहतर आवासीय सुविधाओं के साथ ऐसा परिवेश भी सृजित किया जाए जिससे छात्राएं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में निरंतर अब आगे बढ़कर देश और समाज का नाम रोशन कर सके। हमारे यहां तो कहा भी गया है कि एक महिला यदि घर में पढ़ जाती है तो पूरे परिवार को शिक्षित दीक्षित कर देती है। छात्राएं कैसे अधिकाधिक पढ़ें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ें इसके लिए सभी को संकल्पबद्ध होकर प्रयास करने की जरूरत है। इसी से देश और समाज उन्नत के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित ही नहीं करती जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के अवसर देती है। इसलिए भी कहा गया है जो समाज जितना अधिक शिक्षित होता है उतना ही उन्नत होता है। बगैर किसी भेदभाव के शिक्षा सुदूर स्थानों तक प्रसार कैसे हो इसके लिए भी हमें सभी को निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। अभी कुछ समय से मैं महर्षि अरविंद को पढ़ रहा था। महर्षि अरविंद ने ही सबसे पहले शिक्षा द्वारा पुनर्जागरण का संदेश
समाज को दिया था। उनका कहना था शिक्षक प्रशिक्षक नहीं है, वह तो सहायक एवं पथ प्रदर्शक है। वह केवल ज्ञान ही नहीं देता बल्कि वह ज्ञान प्राप्त करने की दिशा भी दिखलाता है। शिक्षण पद्धति की उत्कृष्टता उपयुक्त शिक्षक पर ही निर्भर होती है। शिक्षक वह मानिए जो समाज रूपी नर्सरी की निराई गुराई कर उसे संवारता है। महर्षि अरविंद के इस कहे के आरोप में यदि हम आगे बढ़ते हैं तभी हम महत्वपूर्ण योगदान समाज और राष्ट्र को दे पाएंगे। उनका कहना था कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार हो, जो विद्यार्थियों की स्मृति निर्णय शक्ति एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास करे। उनके विचारों के आलोक में शिक्षा को जीवनोपयोगी कैसे बनाया जाए इस पर भी स्तरों पर प्रयास करने की जरूरत है। ऋग्वेद की यह ऋचा मुझे बड़ी प्रिय है, आनो भद्रा कृतो यत्र विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार सभी ओर से हमारे पास आए हैं, उनके आने में किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि शिक्षा का मूल ध्येय यही है कि सभी के कल्याण से जुड़े विचारों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ें। विश्वविद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोकतंत्र की भावना, सर्वधर्म सद्भाव के प्रति विद्यार्थियों में आस्था पैदा करने के केंद्र तभी बन सकते हैं जब हम उदात्त जीवन मूल्यों की शिक्षा से विद्यार्थियों को जोड़ें। मैंने प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापना की जो पहल की है उसके मूल में भी यही विचार रहा है कि देश के भावी नागरिक संविधान प्रदत्त जीवन मूल्यों से शिक्षण के दौरान निरंतर पोषित हो, उन्हें संविधान प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी जीवन में निरंतर भान रहे। संविधान के उच्च आदर्श मूल्यों में उनकी आस्था रहेगी तभी भारत फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकेगा। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना की पहल हो गई है। राजस्थान के राजभवन में भी हम एक ऐसा संविधान पार्क निर्मित करवा रहे हैं जो संविधान निर्माण की भूमिका से लेकर उसे लागू किए जाने तक की तमाम घटनाओं से वहां आने वालों को साक्षात कराएगा। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय ने अपने साथ साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी संस्थागत दीक्षांत समारोह आयोजित करवाने का नवाचार प्रारंभ किया है। यह बहुत ही अच्छी पहल है। मैं आपको बधाई देता हूं विनोद सिंह जी, विश्वविद्यालय की इस अनोखी पहल के भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे ऐसा विश्वास है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के केंद्र ही नहीं होते बल्कि उच्च लक्ष्यों उच्च संकल्पों को साधने की शक्ति हासिल करने की ऊर्जा भूमि एवं प्रेरणा स्थली भी होते हैं। इस दृष्टि से आपका यह विश्वविद्यालय सफलता के नए आयाम स्थापित करे ऐसी कामना है। शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और है कि वही शिक्षा सार्थक है जो युगानुकूल हो। शिक्षा कैसे युग के अनुरूप बने, कैसे शिक्षा के जरिए हम विद्यार्थियों को सुनहरा भविष्य प्रदान कर सकते हैं और कैसे शिक्षा भारतीय संस्कृति के उदात्त जीवन मूल्यों से जुड़ती और उनके सर्वांगीण विकास की संवाहक बने, इन सब बातों पर हमें गंभीरता से विचार कर आगे बढ़ना है। महात्मा गांधी ने कहा है कि हमें विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, हमारे राष्ट्र की प्रतिभा का सच्चा प्रतिनिधि बनाना है। ऐसे सच्चे प्रतिनिधि विद्यार्थी तभी बन सकते हैं जब विश्वविद्यालय में रटंग विद्या की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण की सोच को ध्यान में रखते हुए
पठन पाठन गतिविधियों का क्रियान्वयन हो सके। मुझे उम्मीद है आपका विश्वविद्यालय इस दिशा में निरंतर कार्य करते आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय स्थापना दिवस पर मैं पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। आपका यह विश्वविद्यालय भविष्य में शिक्षा के देश के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा, ऐसा विश्वास है। मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।